सुरैया बदसूरत है, सुरैया खूनी है, सुरैया अपशगुनी है। और क्या बोलते थे, वो सुरैया तो चुड़ैल है। क्या मैं चुड़ैल हूँ? चुड़ैल लगती हूँ तुम सबको? चुड़ैल लगती हूँ मैं तुम लोगों को? बोलो ना कि नहीं लगती, बोलो। और अचानक से सुरैया हवा से जमीन पर धम्म से गिर जाती है और उधर बिस्तर पर उसकी नींद टूटती है। सुरैया ने रात भर उस किताब को थामे हुए था, इसलिए वो ऐसे सपने देख रही थी। तभी वो अचानक देखती है कि उसके पास उसकी वो खास किताब नहीं है। ये देख सुरैया घबरा जाती है और पूरा कमरा उथल पुथल करने लगती है। कहाँ है, कहाँ गई मेरी किताब, मेरी किताब कहाँ है? तभी उसके कानों में किताब पलटने की आवाज आती है और वो रसोई घर की ओर जाती है तो देखती है कि वो किताब सुरैया के माँ के हाथ में है, जो किताब पढ़ रही थी। माँ, क्यों ली तूने मेरी किताब? तेरी किताब? अरे कुछ तो नहीं लिखा है इसमें, एकदम कोरी है, खाली। और ये क्या नाम है, मौत की सौदागर? क्या उल्टी पुल्टी किताब पढ़ने लगी है? कोई खाना बनाने वाली पढ़े तो ससुराल में काम भी आए ना। मेरी किताब वापस दो माँ, और मेरी चीजों से दूर रहा करो। तेरी किताब? दसवीं के बाद कब किताब उठाई थी तूने? दसवीं में भी चार बार फेल हो गई और कहती है मेरी किताब? ईंधन खत्म हो रहा है, चूल्हा जलाने के लिए इसे ही जलाऊंगी। माँ नहीं! और तभी सुरैया की माँ किताब का पेच फाड़ने ही लगती है कि सुरैया दौड़कर उसकी माँ का हाथ पकड़ लेती है और जोर से भींचती है। उसकी आंखों में कोई बेटी नहीं बल्कि दरिंदा बाहर झांक रहा था। बोला ना मैंने, बोला ना मेरी किताब को छूना भी नहीं? समझ में नहीं आ रहा तुझे? दूर हट! सुरैया अपनी किताब छीन कर माँ को जोर से धक्का मारती है और किताब लेकर कमरे में चली जाती है। बेचारी माँ तो डर कर वहीं सहम गई थी। माँ कह रही थी किताब एकदम खाली है, देखती हूँ। हाँ, ये तो सच में एकदम कोरी है, तो ये मेरे किस काम की? और आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बोलो, कुछ तो बोलो। भूख लगी है, अपना खून पिलाओ। सुरैया मुस्कुराकर उसकी बात मानकर अपना हाथ काटकर किताब पर गिराती है, जिसमें से लंबी जीभ निकलकर सुरैया का सारा खून चाट लेती है और किताब से हरी रोशनी निकलती है और वो खुलती है। अब किताब कोरी नहीं थी, उसमें बहुत कुछ शैतानी लिखा हुआ था और सुरैया उसे पढ़ना शुरू कर देती है। दो दिन से सुरैया ने कमरे के बाहर कदम तक नहीं रखा था। ये जान उसकी माँ को सुरैया की बहुत फिक्र होती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है, सुरैया कुछ बदली सी लग रही है। बगीचे में राधा और मीना बैठे हुए थे। राधा, सुरैया उस कुएं वाली रात के बाद से दिखाई ही नहीं दी है, हमें उसके घर चलना चाहिए क्या? नहीं मीना, क्या पता वो खुद हमसे नहीं मिलना चाहती हो, हमें उसे अकेले ही छोड़ देना चाहिए। तभी पीछे से सुरैया की आवाज आती है। मेरे बारे में बात हो रही है क्या सखियों? मेरी चुगली के बिना मन नहीं लग रहा क्या? सुरैया की आवाज में मनचलापन था, जिसे सुनकर दोनों सक पका कर पलटती हैं। सुरैया आज थोड़ी बदली हुई लग रही थी, उसका चेहरा चमक भी मार रहा था। तभी वो अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है और दोनों सहेलियां उसे देख हक्की बक्की रह जाती हैं। सुरैया के चेहरे पर कोई दाग नहीं था, वो एकदम सुंदर बन गई थी। सुरैया, ये कैसे हुआ? बगीचे में पेड़ तले डले झूले पर बैठकर सुरैया हंसने लगती है। तू कुछ खुश नजर नहीं आ रही है राधा, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं नहीं, हमारी दोस्त अब इतनी सुंदर हो गई है, खुश काहे नहीं होंगे, हम तो बहुत ही खुश हैं। अच्छा, तुम दोनों खुश तो मैं भी खुश, आओ बांटो मेरे साथ खुशियाँ, बैठो झूले पर। और राधा और मीना सुरैया के इधर उधर बैठ जाते हैं और वो झूला झूलने लगती है जोर जोर से। सुरैया जरा धीरे झूला डालना, ये टूट गया तो। धीरे करूं? ठीक है। सुरैया झूले पर खड़ी हो जाती है और पहले से भी अधिक तेज झूला डालने लगती है। सुरैया, रोक दे झूला। तीनों को एक साथ कितने दिनों बाद मजा आ रहा है ना? और कुछ देर बाद सुरैया झूला झूलती है तो उसकी आंख में चमक देख दोनों दोस्त डर जाती हैं और बिना कुछ बोले ही वहाँ से घर जाने लगती हैं। सुरैया को क्या हो गया है मीना? राधा, मेरा ब्याह भी तेरी शादी के दिन ही तय हुआ है, ये बात इसे पता ही मत लगने देना,
मुझे सुरैया कुछ बदली बदली सी लग रही है। और दोनों के जाने के बाद सुरैया किताब निकाल कर झूले पर ही बैठ कर उसे पढ़ने लगती है। पहला पड़ाव होगा डर, दूसरा पड़ाव होगा बलि। बलि के लिए तो मेरे पास एक बकरी है। रात का समय था। राधा की माँ बिस्तर से पानी के लिए उठने को आँख खोलती है तो बस उसकी आँख फिर बंद नहीं हो पाती। राधा की माँ के ठीक ऊपर सुरैया बैठी थी। बेटा तू बचाओ बचाओ। और राधा की माँ डर के मारे जैसे ही चीखती है वहाँ से सब गायब हो जाता है। अचानक राधा के कमरे से चीख की आवाज निकलती है। राधा की माँ दौड़कर उसके कमरे तक जाती है और देखती है राधा आईने के सामने खड़ी है। राधा क्या हुआ बेटा, तू चीखी क्यों? जैसे ही राधा अपनी माँ की ओर पलटती है उसकी माँ उसका चेहरा देखकर बेहोश हो जाती है। राधा का आधा चेहरा जला हुआ खराब हो रहा था, जो इतना डरावना लग रहा था कि अब शायद ही उससे कोई शादी करे। मेरा चेहरा ऐसे कैसे हो गया? ये सब सुरैया ने किया है। हाँ उस सुरैया ने। अब मैं इस चेहरे के साथ कैसे जीऊंगी? रात के अंधेरे में झूले पर बैठी सुरैया बहुत खुश हो रही थी। तभी उसका चेहरा पहले से और बेहतर हो जाता है और वो खुद को ताकतवर महसूस करने लगती है। दो पड़ाव पूरे कर चुकी है तू सुरैया। डर बलि के बाद बारी है त्याग की, तो त्याग तो करना ही होगा, पर मुझे नहीं किसी और को। अगले दिन मीना की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। राधा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। ये देख सबको बहुत दुख होता है। माँ मुझे राधा की फिक्र हो रही है, मैं उससे मिलकर उसे बुलाकर लाती हूँ। आखिरकार मेरी दोस्त है वो, बेचारी के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। राधा कमरा बंद किए हुए बैठी थी तभी उसका दरवाजा खटकता है। जो भी हो चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से भी नहीं मिलना, किसी से भी नहीं, जाओ चले जाओ। सब खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। कहाँ लेकर जाऊँ मैं ये चेहरा? जी तो कर रहा है कि कुएं में कूद कर जान दे दूं, मगर इतनी हिम्मत भी मुझ में अब कहाँ रही है? चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पर दरवाजा फिर से खटकता है और जब राधा दरवाजा नहीं खोलती तो वो देखती है कि दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और सामने खड़ी थी सुरैया, सजी धजी दुल्हन के जोड़े में। तो और ये जोड़ा तो वही है जो मैंने अपने लिए खरीदा था, ये तो मेरा दुल्हन का जोड़ा है। आहा, तेरा जोड़ा था, अब जोड़ा उसी का होगा जिसकी शादी होगी। वैसे भी तेरी जैसी शक्ल की लड़की से तो कोई शादी करेगा नहीं, तो सोचा तेरे होने वाले पति से मैं ही शादी कर लूं। हाँ क्यों नहीं। तो क्यों कर रही है ये सब सुरैया? भगवान सब देख रहे हैं। नहीं भगवान नहीं है, शैतान सब देख रहा है। और अगर तेरे भगवान है तो वो तब कहाँ गए थे जब मेरा चेहरा जल रहा था? वो तब कहाँ थे जब मेरे इस चेहरे की वजह से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था? वो तब कहाँ थे जब तुम सब पीठ पीछे मेरा मजाक बनाते थे? हाँ मैं सब जानती हूँ, बस तब मैं कमजोर थी, पर आज नहीं। आज से मेरी वाली जिंदगी तेरी राधा, अब बुला ले जिसको भी बुलाना हो। बर्बादी मुबारक तुझे और शादी मुबारक मुझे। मीना अपने घर लौट रही थी। अरे तू इतनी जल्दी आ गई और राधा साथ नहीं आई? मैं गई थी राधा से मिलने, पर उसके कमरे में तो कोई भी नहीं था। खैर मैं तैयार होने जा रही हूँ माँ, बारात आती ही होगी, तू भी ज्यादा शोर मत मचाना। मीना कमरे की ओर बढ़ती है तो देखती है उसका कमरा अंदर से बंद था। ये देख वो हैरान होकर दरवाजा पीटने लगती है, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। अरे कौन है भाई अंदर, ये कमरा दुल्हन का है, जरा बाहर आकर दूसरा कमरा पकड़ लो, मुझे देर हो रही है। अरे खोलो तो। माँ माँ कौन है मेरे कमरे में, इतनी देर से बजा रही हूँ तब भी कोई नहीं खोल रहा है, हद हो गई। अब सब लोग वहीं आकर खड़े हो गए और दरवाजा पीटने लगे, मगर दरवाजा अब भी नहीं खुल रहा था। तोड़ो दरवाजा, मुझे देर हो रही है, न जाने कौन बदतमीज है अंदर। और दरवाजा तोड़ा जाता है। जैसे ही दरवाजा तोड़ा जाता है अंदर का नजारा देख सब लोगों का दिल दहल जाता है। राम 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 राम। मीना के कमरे का बिस्तर सुहाग की सेज की तरह सजा था और उसके ऊपर सुहाग रात चल रही थी, सुरैया और मीना के होने वाले पति के बीच। दोनों बदहवास हालत में एक दूसरे से लिपट कर एक दूसरे को चूम रहे थे। सुरैया हवस में चूर होकर खूब मजे ले रही थी। भरो मांग मेरी, भरो करो
प्यार मुझे करो, करते जाओ। सुरैया, बीच में टोक मत। सुरैया, मेरे पति के ऊपर से हटो। मगर मीना का होने वाला पति सुरैया के यौवन में इतना चूर हो रहा था कि उसे भी सही गलत नहीं पता था। तभी सुरैया एक सिंदूर की डिब्बी उसके आगे करती है, मगर मीना दौड़कर उसके हाथ से वो छीन लेती है। मैंने कहा दूर हट इससे। हाँ, तू रोक रही है मुझे? सुरैया उसी हालत में अपना हाथ बढ़ाकर मीना की गर्दन दबोच लेती है। आखिरकार सुरैया ने किताब के तीन पड़ाव पार कर ही लिए थे। सबसे पहले उसने डर फैलाया, फिर अपने दोस्त के यौवन की बलि दी, और तीसरी बार में उसने अपने ही दोस्त मीना के सुहाग को छीन लिया। ये पड़ाव त्याग का पूरा हुआ, तो क्या अब सुरैया एक खतरनाक मोड़ को अंजाम देने वाली है? जानने के लिए देखते रहिए सुहागन चुड़ैल, केवल हॉरर सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड